सोलन मुख्यालय के चंबा घाट में युवती ने फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। अभिभावकों के डांटने पर 16 वर्षीय सविता ने घर के समीप पेड़ से चुन्नी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला अस्त कर ली। पुलिस मीडिया प्रभारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की घर से गायब हो गई है और लोगों से जब परिजनों को सूचना मिली कि लड़की ने चंबा घाट रेलवे ट्रैक के समीप चुन्नी से फांसी लगा ली है, उन्होंने बताया कि युवती 9वीं क्लास में फेल होने के कारण निराश थी और घर वालों के डांटने पर उसने घर से निकलकर फांसी लगा ली। उन्होंने कहा कि सब को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन भेज दिया है। मृतक का पोस्टमार्टम करवा कर शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। आज सुबह लगभग 7:45 बजे हमें सिटी चौकी पे सूचना मिली थी कि रेलवे लाइन चंबा घाट के पास किसी लड़की ने हैंगिंग की है। इस पे SHO अपनी टीम के साथ मौके पे गए थे तो जांच पे पाया गया कि ये लड़की है जिसका नाम सरिता था और नाबालिग है, ये 16 साल इसकी एज है और ये चंबा घाट की रहने वाली है और गुग्गा घाट में ये 9th क्लास में पढ़ती थी तो वहाँ पे ये फेल हो गई इसमें 9th में। तो उसके बाद थोड़ा ये फ्रस्ट्रेटेड थी और रात को लगभग 2 बजे ये घर से चली गई थी और इसने जो है चुन्नी लगा के रेलवे लाइन के साथ एक पेड़ के साथ हैंगिंग कर ली। बॉडी को फिलहाल RH शिफ्ट किया गया है और इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। फर्दर प्रोसीडिंग 174 CRPC के तहत जारी। PLTV के लिए सोलन से अमरप्रीत की रिपोर्ट।